दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कोई सा भी जो मार्केट प्लेस होता है उसकी ओर से अगर आपको कोई क्रेडिट नोट इशू किया जाता है तो उसकी जो एंट्री होती है उस एंट्री को आप जीएसटी पोर्टल पे किस तरह से चेक करेंगे और आपको वो एंट्री जीएसटी पोर्टल पे करनी है या नहीं करनी है। तो जो क्रेडिट नोट होते हैं उसी की मैं थोड़ी सी यहाँ पे बेसिक सी जो डिटेल्स होती है यानी कि कुछ ऐसी गाइडलाइंस होती है वही मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा और आपको जो एज ए एग्जाम्पल यानी लाइव डेमो भी मैं दिखाऊंगा और वो डेमो दिखाऊंगा अमेजोन का जो मेरा सेलर पैनल है यानी कि अमेजोन की ओर से आपको क्या होता है कि हर महीने में एक इनवॉइस आपको इशू किया जाता है और इनवॉइस के साथ में अमेजोन आपको क्रेडिट नोट भी इशू करता है। तो उस क्रेडिट नोट की एंट्री आपको जीएसटी पोर्टल पे करनी है या नहीं करनी है, आप अगर चेक करना चाहते हैं तो किस तरह से चेक करेंगे, तो इसका कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि जैसे अमेजोन का मेरा सेलर पैनल है और इसमें आपको कोई सी भी जो मार्केट प्लेस होता है अगर उसमें जो इनवॉइस आपको इशू करता है यानी कि आप उस पर जो अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं सेल के बदले वो जो आपको सर्विस देते हैं उस सर्विस का एक इनवॉइस आपको देते हैं और इनवॉइस के साथ जब कोई प्रोडक्ट आपके पास रिटर्न आते हैं यानी कस्टमर की ओर से वो रिटर्न होते हैं तो उस केस में आपको एक क्रेडिट नोट भी इशू किया जाता है रिटर्न के केस में। और यहाँ पर अमेजोन क्या करता है, हर महीने आपको दो तरह के इनवॉइस इशू करता है। एक इनवॉइस जो होता है वो आपकी मार्केटिंग जो फीस होती है उसका होता है और सेकंड वाला जो इनवॉइस होता है जो कस्टमर को रिफंड किया जाता है यानी कि जो अमाउंट रिफंड किया जाता है और रिफंड का जो चार्जेस होता है वो आपसे लिया जाता है यानी आपका जो ये टोटल बैलेंस होता है इस बैलेंस में से वो जो अमाउंट होता है यानी रिफंड के जो चार्जेस होते हैं क्योंकि कस्टमर को जो रिटर्न करता है और रिटर्न करने के बाद उसका जो पेमेंट होता है अमेजोन को रिफंड करना होता है और रिफंड के जो चार्जेस होते हैं वो आपसे लिए जाते हैं। तो जो रिफंड का इनवॉइस होता है वो आपको अमेजोन एक दूसरा इनवॉइस जो होता है वो जनरेट करके देता है। मेन इनवॉइस तो रहता ही रहता है, उसके साथ में एक इनवॉइस आपको और देखने को मिलता है जब आपके जो कोई कस्टमर के जो ऑर्डर होते हैं उनको वो रिफंड करते हैं उस केस में आपको देखने को मिलता है। और इसके साथ ही एक क्रेडिट नोट होता है। अब वो क्रेडिट नोट जो होता है उसी के बारे में मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर कोई सा भी जो मार्केट प्लेस होता है, मैं सबसे पहले अगर आपको जीएसटी पोर्टल पर दिखा देता हूँ तो यहाँ पर ये मेरा जीएसटी पोर्टल है। अगर इसमें आपको किसी भी मार्केट प्लेस का इनवॉइस आपको चेक करना है या उसका जो क्रेडिट नोट होता है वो आपको चेक करना है तो ये वाली जो डिटेल्स होती है सबसे पहले आप कैसे चेक करेंगे वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे फाइल रिटर्न फाइल्स पे जाएंगे और यहाँ पर अभी मैं आपको दिखाता हूँ जैसे अक्टूबर का महीना चल रहा है तो सितंबर का यहाँ पे मैं सेलेक्ट ना करके जैसे क्वार्टर में सेलेक्ट करता हूँ सेकंड वाला क्वार्टर और यहाँ पे मैं अगस्त मंथ की आपको स्टेटमेंट दिखाऊंगा अमेजोन की। तो यहाँ पे मैं जैसे दिखा देता हूँ जैसे अगस्त मंथ, क्योंकि मैं अभी आपको अगर जो GSTR2B होता है उसके अंदर आपको ये अपना ITC चेक करना होता है, उसी के अंदर आपके इनवॉइस की जो डिटेल होती है इसके साथ ही आपके जो क्रेडिट नोट आपको इशू किए जाते हैं उसकी एंट्री आपको इसमें देखने को मिलती है। तो मैं यहाँ पे अभी अगस्त सेलेक्ट करूँगा और सेलेक्ट करने के साथ ही यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ जो GSTR2B जो होता है यहाँ पर यही वाला जो डाटा होता है आपका ITC के अंदर इसको कैलकुलेट किया जाता है। और अभी मैं आपको अगस्त का इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि सितंबर का ये डाटा 13 तारीख के बाद में यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी ये जो अगस्त मंथ है उस महीने का मेरा जो अमेजोन ने मुझे इनवॉइस भी इशू किया और इसके साथ क्रेडिट नोट भी मुझे इशू किया गया था तो उसी की डिटेल मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको अपना 2B जो होता है इसमें आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के साथ ही आपको इस तरह से ये टेबल आपको देखने को मिलती है। अब इस टेबल के अंदर आप देखेंगे कि टोटल ये समरी है ITC अवेलेबल जो होता है इसमें में आप देखेंगे कि यहाँ पर 9,102 रुपये का जो है टोटल यानी कि सितंबर महीने के अंदर मेरे को जो ITC मिला 9,102 रुपये का ITC मिला। और इसी को जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ डिटेल पे, जैसे मैं यहाँ पे डिटेल पे क्लिक करता हूँ तो ये पूरी डिटेल के अंदर आपको देखने को मिलता है कि आपके जो B2B इनवॉइस होते हैं, जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ B2B इनवॉइस तो इसमें आपको वो टोटल सारे के सारे जो भी आपके B2B इनवॉइस जिस पार्टी से आपके पास आते हैं उन सबकी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो मैं बात करता हूँ अभी जैसे अमेजोन की, आप देखेंगे अमेजोन की ओर से यहाँ पर मेरे को दो इनवॉइस इशू किए गए हैं, अब इनवॉइस की पूरी डिटेल भी मिलती है और जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने पर फर्स्ट इनवॉइस मेरा है 9,900 रुपये का, 9,900 रुपये वो टैक्सेबल अमाउंट है और इसके अंदर आप देखेंगे इंटीग्रेटेड टैक्स जो होता है 1,781 रुपये जुड़ जाता है।
ये इसमें आप देखेंगे 9,900 अप्रोक्स अगर मान के चले, तो ये 10,000 का मेरा इनवॉइस है। एक इनवॉइस तो ये हो गया जो कि मेन इनवॉइस है। सेकंड वाला इनवॉइस आप देखेंगे कि ये वाला 485 रुपये टैक्सेबल है और 87 इसके अंदर इंटीग्रेटेड टैक्स है। तो ये सेकंड वाला जो इनवॉइस मैंने आपको बताया था दोस्तों, ये क्या होता है कि अमेजोन जो रिफंड करता है, यानी कि आपके जो ऑर्डर्स आपको कस्टमर जो प्लेस करता है, करने के बाद में वो रिटर्न अगर कर देता है, तो उस केस में कस्टमर को अमेजोन जो पेमेंट 100% रिफंड करता है, और रिफंड के बदले वो आप पे जो चार्ज करता है पूरे महीने के अंदर, उसका ये पूरा जो आपसे चार्ज लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 10 ऑर्डर अगर आपको इसमें रिटर्न करता है, एक एक ऑर्डर के 40 रुपये उसने चार्ज किया आपसे, तो ऐसे करके 400 रुपए की पेमेंट हो जाती है, और 400 के अंदर जो IGST लगती है, तो वो वाला अमाउंट आपको यहां पर देखने को मिलता है। तो इस तरह से अमेज़न ने आपको दो इनवॉइस इशू किए, रिफंड का अलग और उसका मेन सर्विस होती है उसका इनवॉइस आपको यहां पर देखने को मिलता है। तो ये तो हो गया कि उसने B2B इनवॉइस जो थे उसकी डिटेल मैंने आपको दिखा दी। अब यहां पे वापस मैं समरी पे आता हूं। तो ये तो हो गया कि आपको B2B इनवॉइस होते हैं उसकी डिटेल्स आप यहां से चेक करेंगे। अब यहां पर बात आती है क्रेडिट नोट की। तो क्रेडिट नोट जो होता है, यहां पर आप देखेंगे ये वाला नीचे का जो सेक्शन होता है, आप देखेंगे पार्ट बी, यहां पर आप पार्ट जो ए होता है, यहां पर जितने भी आपके B2B इनवॉइस होते हैं उनकी डिटेल्स आप यहां पे देखेंगे, और देखने के साथ ही पूरा मैंने ब्रेकअप भी समझा दिया था आपको। अब पार्ट बी क्या करता है, आपके जितने भी रिवर्स चार्जेस जो होते हैं, अब आप देखेंगे क्रेडिट नोट जो इशू किया जाता है उसका चार्ज आपके ITC में से वो अमाउंट लेस किया जाता है। आप देखेंगे कि 9,102 रुपये, जैसे फॉर एग्जांपल 9,102 रुपये यहाँ पे अमाउंट है, तो मैं अगर इसको 9,000 कंसीडर करता हूँ और यहाँ पर मेरा क्रेडिट नोट हो गया 600 का, 619 रुपये 25 पैसे का है, लेकिन एज ए एग्जाम्पल अगर मैं आपको समझाऊँ तो यहाँ पर होता है कि 900 रुपये मेरे को जो है 9,000 रुपये मेरा ITC है, तो 9,000 में से क्या करेगा, जब मैं अपनी 3B को फाइल करूँगा तो ये GST पोर्टल क्या करेगा, ऑटोमेटिक, यानी कि ये वाला जो आपका नीचे का जो अमाउंट होता है क्रेडिट नोट वाला, तो यहाँ से ये 619 रुपये 25 पैसा इस वाले अमाउंट में से लेस कर देगा, और इसके बाद जो रेस्ट जो ITC होता है वो आपके GSTR 3B की टेबल के अंदर वो रिफ्लेक्ट कर देगा। तो आपको जो भी मार्केट प्लेस अगर कोई क्रेडिट नोट अगर इशू करता है, तो उसकी एंट्री आपको GST पोर्टल पे करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर अमेज़ोन ने आपको क्रेडिट नोट इशू किया है, उसकी एंट्री अमेज़ोन करेगा GST पोर्टल पे। अब अगर आप कोई आपकी जैसे कोई फर्म है या कंपनी है, अगर आप कोई क्रेडिट नोट आप इशू करते हैं, तो उस केस में GST पोर्टल पे आपको क्रेडिट नोट की एंट्री करनी है, क्योंकि आप क्या करते हो, अपने प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो अमेज़ोन के थ्रू, तो यहाँ पर क्रेडिट नोट अमेज़ोन इशू कर रहा है, ना कि आप इशू कर रहे हो, तो अमेज़ोन आपको क्रेडिट नोट इशू करेगा, तो उसकी एंट्री आपको GST पोर्टल पे नहीं करनी है, और उसकी कैलकुलेशन भी आपको कहीं नहीं करनी, ये पोर्टल ऑटोमेटिक करेगा। अब आप देखेंगे जैसे B2B का अगर मैं क्रेडिट नोट आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अमेज़ोन का जो क्रेडिट नोट होता है यहाँ पर, जैसे मैं दिखा देता हूँ, तो एक ही क्रेडिट नोट है, आप एक क्रेडिट नोट जो होता है उसका अमाउंट कितना है, 1,412 रुपये है, उसमें आप इंटीग्रेटेड टैक्स जो होता है यहाँ पे 254 रुपये का है। तो ये एंट्री आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये GST पोर्टल पे जो अमेज़ोन ने आपको क्रेडिट नोट इशू किया है, अमेज़ोन की ओर से ये एंट्री की जाती है, और वो रिफ्लेक्ट आपको जो GSTR 2B होता है उसके अंदर आपको ये देखने को मिलता है। तो ये तो मैंने पूरा कंप्लीट एक्सप्लेन कर दिया दोस्तों। तो यहाँ पर ये जो क्रेडिट नोट के अंदर आप देखेंगे कि अदर अमाउंट जो होता है यहाँ पे पार्ट बी के अंदर, तो ये वाला अमाउंट आपके ITC में से लेस हो जाता है, और लेस होने के बाद में जब मैं आप 3B अपनी फाइल करते हैं, जैसे यहाँ पर डायरेक्ट अगर आप ओपन GSTR 3B डायरेक्ट अगर ओपन करना चाहते हैं, तो इसको भी आप डायरेक्ट 3B ओपन कर सकते हैं, और ओपन करने के साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ITC आपको मिलता है टेबल नंबर 4 के अंदर, तो एलिजिबल ITC जो होता है यहाँ पर आप देखेंगे कि 8,000। अब आप देखेंगे कि मेरा जो ITC कितना था, 9,000 मैंने आपको बताया था कि आप 9,000 अमाउंट उस था वहाँ पे 9,100 समथिंग अमाउंट था, लेकिन अगर मैं इन तीनों की टोटल भी कर लेता हूँ, तो आप देखेंगे कि 8,400 यहाँ पे 83 और 12,24 रुपये, तो अप्रॉक्स यहाँ पे 8,500 का अमाउंट निकल के आ जाता है अगर मैं इन सबकी टोटल कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या होता है दोस्तों, जब भी आप अपनी GSTR 3B को फाइल करते हैं, तो उस केस में जो क्रेडिट नोट जो भी मार्केट प्लेस आपको इशू करता है, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था अमेज़ोन का, इसी तरह से कोई फ्लिपकार्ट होता है, चाहे मीशो होता है, कोई दूसरा भी अगर कोई मार्केट प्लेस है, वो आपको क्रेडिट नोट अगर इशू करता है, तो उसका जो प्लस माइनस है ये GST पोर्टल ऑटोमेटिक कर लेता है, और करने के बाद में जो रेस्ट अमाउंट होता है वही आपका यहाँ पर ITC के अंदर आपको देखने को मिलता है टेबल नंबर 4 के अंदर GSTR 3B के अंदर। तो ये तो हो गया GST पोर्टल की कैलकुलेशन, मैंने आपको समझा दी कि किस तरह से जो क्रेडिट नोट होता है, इनवॉइस होता है, उसकी कैलकुलेशन जो होती है
वहाँ पे ITC के अंदर उसका जो क्रेडिट नोट अमाउंट होता है उसका लेस करके यहाँ पे आपको ITC के अंदर देखने को मिलता है। अब यही चीज़ अगर मैं आपको दिखा देता हूँ अमेजोन के सेलर पैनल पे, किस तरह से आप अपने इनवॉइस जो होते हैं या क्रेडिट नोट होते हैं उसको चेक किस तरह से करेंगे, तो वापस आ जाता हूँ मैं अमेजोन के सेलर पैनल पे और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अमेजोन के जो मेनू बटन्स है इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर होती है रिपोर्ट्स, तो रिपोर्ट्स के अंदर आप जाएंगे और यहाँ पे होता है टैक्स डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के साथ में अब यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलता है सेलर फी इनवॉइस। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर मैंने अभी आपको स्टेटमेंट दिखाई थी दोस्तों, अगस्त महीने की दिखाई थी, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये सितंबर सितंबर और यहाँ पे अगस्त मंथ का मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे अगस्त मंथ के क्या है, यहाँ पे एक दो और तीन एंट्री आपको देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले एक नंबर जो है यहाँ पे जैसे अगस्त का ये मेरा स्टेटमेंट है, मैं यही वाली एंट्री आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे व्यू किया तो यहाँ पर ये देखेंगे आपका टैक्स इनवॉइस है। अब जो टैक्स इनवॉइस मैंने आपको अपने GST पोर्टल पे भी दिखाया था, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वाला कितना अमाउंट है, 485 रुपये का। यानी 485 का मतलब क्या होता है कि ये रिफंड प्रोसेसिंग फीस, जो मैंने आपको अभी बताया था कि अमेजोन क्या करता है कि कोई भी आपका जो महीने का जो भी आपके जो ऑर्डर्स जो होते हैं और कस्टमर जिनको रिटर्न कर देता है, रिटर्न करने के बाद में जो उसके जो चार्जेस होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताया भी था कि अगर एक आपके 10 ऑर्डर होते हैं और उस पर 40-40 रुपये अगर आपसे चार्ज लिए जाते हैं तो उसमें जो होता है 400 रुपये का अमाउंट निकल के आ जाता है। तो यहाँ पर वही प्रोसेस होता है, एक तारीख से लेकर 30 तारीख या 31 तारीख तक जो भी आपका महीना होता है, जितने ऑर्डर्स आपको रिसीव हुए हैं उन पर जो चार्जेस लिया जाता है उसका ये सेपरेट इनवॉइस आपको देता है और वो इनवॉइस की पूरी डिटेल भी आपको देता है कि कौन कौन से ऐसे ऑर्डर थे। तो यहाँ पर आप डिटेल्स अगर चेक करना चाहते हैं तो वो डिटेल भी इसमें चेक कर सकते हैं, लेकिन हाल फिलहाल इसने केवल यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस दी है और यहाँ पे उसका पूरा ब्रेकअप दिया गया है। तो फर्स्ट ये वाला तो कंप्लीट आपने, मैंने फर्स्ट वाला इनवॉइस आपको दिखा दिया जो रिफंड का है, और सेकंड वाला इनवॉइस मैं आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर ये क्रेडिट नोट है, ये भी आप देखेंगे टैक्स इनवॉइस है। अब टैक्स इनवॉइस के अंदर मैं आपको दिखाऊँ तो ये वाला जो अमाउंट आया, ये वाला इनवॉइस है 9989, जो कि मैंने आपको अभी GSTR 2B के अंदर दिखाया था। तो ये वाला अमाउंट क्या होता है कि आपकी टोटल जितने भी आपके ऑर्डर्स होते हैं, जो महीने की जो सर्विसेज आपसे ली गई है अमेजोन की ओर से, वो चार्जेस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है और इसमें आप IGST अमाउंट भी ये देखने को मिलता है। यह मैंने जो कि मैंने आपको GST पोर्टल पर भी इसका लाइव दिखाया है। अब मैं लास्ट वाला जो अमाउंट है ये आपको इनवॉइस दिखा देता हूँ। तो ये मैंने अभी दिखाया, अब थर्ड लास्ट में जो होता है, अब ये वाला जो होता है कि मेरी ये क्रेडिट नोट होगा, आप देखेंगे ये क्रेडिट नोट है। अब ये जो क्रेडिट नोट होता है इसकी एंट्री भी मैंने आपको दिखाई थी। अब क्रेडिट नोट का जो अमाउंट कितना है, 1400 रुपये कुछ था अमाउंट था यहाँ पे, तो यहाँ पर अगर मैं दिखा देता हूँ तो अप्रोक्स 1412.13 रुपये का। अब ये जो क्रेडिट नोट होता है ये अमेजोन ने आपको इशू किया है, तो आपको क्या करना होता है कि इस एंट्री को आपको कहीं पर भी आपको शो नहीं करना, क्योंकि अमेजोन की ओर से जो क्रेडिट नोट आपको इशू किया जाता है वो अमेजोन ही उसकी एंट्री करता है, और एंट्री करने पर जो किस टेबल में आप चेक करेंगे और क्या उसकी कैलकुलेशन होगी, ये मैं आपको भी इससे पहले मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो यहाँ पर ये वाला जो क्रेडिट नोट होता है, जितनी रिटर्न्स आपको आती है उसी के बिहाव पे अमेजोन क्या करता है कि पहले आपको जो चार्जेस आपसे लेता है, यानी कि जो पेमेंट लेता है उसको वो वापस भी करता है, और वापस करने के जो प्रोसेस क्या होता है, रिफंड अगर कोई उसको करता है, जैसे कोई अगर कोई कस्टमर मान के चलो रिप्लेसमेंट करता है, उस केस में अगर रिफंड नहीं करना होता है तो आपसे रिफंड के जो चार्जेस होते हैं वो नहीं लिए जाते हैं, और क्रेडिट नोट के अंदर केवल आपको वही चार्जेस जो होते हैं जो पहले आपसे लिए जाते हैं वही आपको वापस कर दिए जाते हैं और कस्टमर को वो रिफंड कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये चीज़ होती है कि कोई से भी अगर मार्केट प्लेस अगर आपको कोई क्रेडिट नोट इशू करता है तो उसकी एंट्री आपको कहीं पर भी नहीं करनी, केवल आपको अगर आपकी ओर से, आपकी फर्म की ओर से अगर कोई आप अपना क्रेडिट नोट अगर आप इशू करते हैं तो उसी की एंट्री आपको GST पोर्टल पे करनी है। अदरवाइज किसी भी जो मार्केट प्लेस होते हैं अगर वो आपको कोई क्रेडिट नोट इशू करता है तो उसकी एंट्री आपको GST पोर्टल पे कहीं पर भी करने की जरूरत नहीं होती है। तो दोस्तों ये था GST पोर्टल पे कोई सा भी जो मार्केट प्लेस होता है उसकी क्रेडिट नोट की जो एंट्रीज होती है उससे रिलेटेड कुछ बेसिक सी गाइडलाइन थी। काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि मैं अपनी जो GST पोर्टल की जो उसमें क्रेडिट नोट होता है उसमें एंट्री मुझे शो करनी है या नहीं करनी है, तो आपको 100% एंट्री कहीं पर नहीं करनी, केवल आप उसको टेली करना चाहते हैं या चेक करना चाहते हैं तो वो प्रोसेस मैंने आपको ये बता दिया। इस प्रोसेस को फॉलो करके जो भी मार्केट प्लेस आपको क्रेडिट नोट इशू करते हैं उसकी एंट्री आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।